नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज का दिन खास है, इसीलिए ये कहानी भी खास है। ये कहानी है उन शूरवीरों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के लिए हंसते हंसते कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 25 साल पहले भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को पस्त करते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। 26 जुलाई 1999 का वो दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन था, जिसे हम आज भी याद करते हैं। इसीलिए गर्व से भरे इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मानते हैं। 26 जुलाई की ये तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस दिन ऑपरेशन विजय भी सफल हुआ था। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर स्थित कारगिल के उन इलाकों पर दोबारा फतेह हासिल की थी जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में हमने अपने कई वीर सपूतों को भी खो दिया था। तो चलिए आपको आज इस खास दिन पर उन शहीदों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बिना सोचे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। देश में 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में हुए कारगिल दिवस को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। देश के वीर सपूतों ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को इस युद्ध में धूल चटाई थी। भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम से पाकिस्तान थर्रा उठा था। वो जवानों का रणकौशल ही था जिसके आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। आज इस युद्ध के असली हीरो से आपको रूबरू करवा देते हैं जो युद्ध लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 JK RIF के कैप्टन विक्रम बत्रा को .5140 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। आगे से नेतृत्व करते हुए एक साहसी हमले में उन्होंने नजदीकी मुकाबले में 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व किया और हमले को जारी रखा। भारी दुश्मन गोलाबारी का सामना करते हुए लगभग असंभव कार्य को पूरा किया और फिर शहीद हो गए। उनके साहसी कार्य से प्रेरित होकर उनके सैनिकों ने दुश्मन का सफाया कर दिया और .4875 पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। ऑपरेशन विजय के दौरान गोरखा राइफल से लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू और कश्मीर के बटालिक में खालूबार रिज को खाली करने का काम सौंपा गया था। 3 जुलाई 1999 को जब उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी तो उस पर दुश्मनों की भारी गोलाबारी हुई। उन्होंने निडरता से दुश्मन पर हमला किया, 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 2 बंकरों को नष्ट कर दिया। उन्हें वीरता और सर्वोच्च बलिदान के कार्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने केवल 3 महीने की सेवा के साथ अधिकारी ने दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को पूरा किया। अधिकारी के प्रेरणादायक नेतृत्व, उनके साहस और उनकी बहादुरी ने टाइगर हिल पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें उनके साहस और बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो जाहिर है 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के तमाम जवानों और अधिकारियों के बलिदान के याद करते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारत के कोने कोने से लोग जुड़े और सैनिकों के समर्थन में आगे आए। कारगिल विजय दिवस देश की एकता देशभक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की वीरता भरी कहानी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है जो देशवासियों में देश के लिए उनके कर्तव्य की भावना जगाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।